हेलो व्यूवर्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही यूनिक सी कुर्ती डिज़ाइन लेकर आए हैं। हम यहाँ पर आपको फुल स्टिचिंग एंड कटिंग बताएंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को अर्ज से टू पार्ट में फोल्ड कर लिया हुआ है, और यहाँ से हम ऊपर से अपनी लेंथ का मेजरमेंट लेंगे। जितनी भी आपको रखनी हो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और यहाँ से जो मैंने जो कपड़ा फोल्ड किया है वो यहाँ पर मैंने 11 इंच का कपड़ा फोल्ड किया हुआ है, ठीक है? आप देख लीजिए अच्छे से। आपको इसी तरह से टू पार्ट में कपड़े को फोल्ड करना है, वो 11 इंच होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने इस तरह से आपका जो शोल्डर्स होगा वहाँ पे, जैसे कि आपका शोल्डर्स होगा 7.5 इंच या 7 इंच लेते हैं, तो उससे आपको 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो यहाँ पर से हम एक 7 इंच पे एक मार्क कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर एक 14 इंच पे मार्क कर लेंगे, और एक 21 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो जो मैंने 7 इंच पे मार्क किया वो हमारा चेस्ट का मार्क है, जो मैंने 14 इंच का किया है वो वेस्ट का यानी कि कमर का, और जो हमारा 21 इंच का मार्क है वो हमारा हिप का यानी कि हिप का ही, ठीक है? यहाँ पर से आपको स्ट्रेट मार्क कर देना है एक, जो मैंने शोल्डर्स पे का मार्क किया था। अब यहाँ पर आ जाते हैं फर्स्ट मार्क पे। तो यहाँ पर हम अपने चेस्ट की मार्क करेंगे, जैसे कि हम अपने चेस्ट मेरा 36 इंच का, उसका चौथाई इंच लगाएंगे। यहाँ पर 10 इंच मैंने रख लिया हुआ है। यहाँ पर 4 इंच की लूजिंग सब में लेते हुए मैंने इस तरह से मार्क कर लिया अपना वेस्ट, चेस्ट और हिप। वो जो आपका अकॉर्डिंग हो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 36 इंच के वेस्ट और हिप के अकॉर्डिंग मैं कटिंग कर रही हूँ। अगर आपका सेम साइज़ हो तो आप सेम इस पे कटिंग कर सकते हैं यही मार्किंग करके, ठीक है? तो चलिए हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेते हैं। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, फिर हम अपनी बैक की बाद में कटिंग करेंगे। तो जो आपका चेस्ट है, तो जैसे कि आपका 36 है तो उसमें आप 4 इंच लूजिंग ले लेंगे, तो इस वजह से मैंने 10 इंच पे मार्क किया था। और बाकी वेस्ट पे भी मैंने 4 इंच लूजिंग ली है, और वेस्ट पे और हिप पे भी, क्योंकि मुझे कुर्ती हल्की लूज बनानी, अगर टाइट बनानी होती तो यहाँ पर हम वेस्ट कम मार्क करते, ठीक है? तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये मैंने कपड़ा फोल्ड किया हुआ है, ये मैं बैक की कटिंग करूँगी। ये भी मैंने टू पार्ट में कपड़े को फोल्ड कर लिया हुआ है। अपने फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर रखना है। तो जो भी आपकी चौड़ाई होगी उसके अकॉर्डिंग आप रखेंगे, जैसे कि आपकी जो भी फ्रंट की चौड़ाई है आपको सेम रख देना है इस तरह से। चौड़ाई के मेजरमेंट लेना है, लेंथ का नहीं लेना है, ओके? आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको चौड़ाई जितनी भी आपकी होगी विड्थ यानी कि उसको ही आपको लेना है। और ऊपर आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है? ऐसे ही रहने देंगे, कुछ भी नहीं करना है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, जो हमारा शोल्डर्स वाला पार्ट होगा, उसको ये जो आप लाइन देख रहे हैं फर्स्ट लाइन पे, यहाँ पर से आपको अपने फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो इस तरह से 1 इंच ऊपर को रख के आपको फोल्ड करना है, जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ उस तरह से आप रख सकते हैं। और जो भी आपकी लंबाई होगी आपको वहाँ से इसे रख लेना है, जो भी आपकी कपड़े की यानी कि होगी, उसको फोल्ड करने के बाद जो भी आपका कपड़ा बच रहा है वो उसके बराबर आपको रखना है, ओके? ये यहाँ पर मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, मैं फिर अच्छे से रख लेती हूँ, क्योंकि मैंने नीचे ध्यान दिया था ऊपर नहीं दिया था। इस तरह से आपको रखना है, ठीक है? और यहाँ से जैसे मैंने आर्म्स नहीं कटिंग किया है, आपको भी इस तरह से अभी नहीं कटिंग करना है, ये सीधा ही रख लेना है, ठीक है? तो अब यहाँ पर आ जाते हैं। ये जो हमने फैब्रिक कटिंग किया हुआ है ये हमारा 16 इंच का है, और ये यहाँ पर हमारा 6 इंच है, ठीक है? इस तरह से आपको एक फैब्रिक और कटिंग कर लेना है। 6 इंच की लेंथ और चौड़ाई होगी आपकी 16 इंच की, ठीक है? वे इस तरह से ये जो हमने फैब्रिक कटिंग किया यहाँ पर ले आएंगे, इसको रख देंगे, ठीक है? और ये वाला पार्ट इसमें आके मिल जाएगा, ये हो जाएंगे हमारे शोल्डर्स, और जो बचा हुआ फैब्रिक होगा वो हम यहाँ पर प्लेट्स डाल देंगे, ओके? तो अब यहाँ पर हमने अपना फ्रंट पार्ट फिर ले लिया है, बैक की कटिंग करके साइड में रख दिया हुआ है। अब हम अपने फ्रंट की नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर अपने नेक की कटिंग करने के लिए मैंने 3 इंच पे एक मार्क किया, ये हमारा विड्थ का मार्क है, उसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा और ले लिया, ठीक है? इस तरह से। और ये जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यहाँ से आपको फिर अपनी लेंथ लेनी है। आपको जितनी भी आपको लेंथ डीपनेस सॉरी आपको जितनी भी डीपनेस नेक की रखनी उतनी रख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं 9 इंच पे मार्क कर लूँगी, वो आपको भी करना है। फिर आपको डीपनेस जितनी लेनी है, जैसे मैंने 6 इंच ली है, आपको अगर 7 इंच लेनी 7 इंच ले सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे 9 इंच पे मार्क किया वहाँ पे आपको 2 इंच की विड्थ यानी कि चौड़ाई पे मार्क करना है, और फिर उसके बाद फिर 3 इंच पे कर देना, ओके? यहाँ पर यानी कि टोटल मुझे 3 इंच पे रखना है इस तरह से। आप देख लीजिए आपको वी नेक टाइप का
यहाँ पे बना देना है हल्का सा। और ये जो मेरा 6 इंच का मार्क है इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पर हम अपने नेक को कटिंग कर देंगे, यहीं से आपको करना है। मैंने जो 3 इंच और 6 इंच का लिया है मैं उसका बाद में बताऊंगी आपको क्या करना है, पहले आपको ये कटिंग कर लेना है। ये वाला पार्ट हमने कटिंग कर दिया, अब हम इसको रख देते हैं साइड में और इस वाले पार्ट पे आ जाते हैं। ये वाला जो पार्ट है उसके लिए हमें एक फैब्रिक और कटिंग करना है, तो जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसी में से ही हम अपना इसको भी ले लेते हैं। इसको यहाँ पर देखिए अच्छे से इसको बराबर कर लेते हैं पहले। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए, फटाफट से कर दीजिए अगर मेरे चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आगे से मिलती रहे। ओके, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कपड़े को पहले 2 पार्ट में किया, फिर यहाँ पर मैंने 4 पार्ट में कर दिया। ठीक है, जो बंद तरफ का पार्ट है उस तरह से जैसे बंद वाले पार्ट की तरफ बंद वाला रखना है, खुले वाले पार्ट की तरफ खुला वाला रखना है। और इस तरह से आज सब तरफ से हमको क्या करना है, चारों साइड से यानी कि आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है। जो अंदर वाला पार्ट हमारा कुर्ती से निकला था उससे हमें एक्स्ट्रा कटिंग कर लेना है ये वाले, और ये मुझे 2 पार्ट में लेने हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं अपने नेक की कटिंग कर लेते हैं। 3 इंच पे मैंने ब्रॉडनेस रख ली और यहाँ पर मैं 6 इंच पे, सॉरी 6 इंच पे नहीं 3 इंच पे यहाँ पर हम आ जाते हैं। ये 3 इंच पे मुझे कॉलर नेक बनाना है तो मैंने यहाँ पर 3.5 इंच ले लिया हुआ है और इसको हल्का सा वी कर दिया हुआ है। ठीक है, हल्का सा राउंड देना है, ज़्यादा नहीं, वी नेक टाइप का होना चाहिए। और यहाँ पर से भी हल्का सा कटिंग कर देंगे जितनी भी आपको डीपनेस चाहिए। मैंने यहाँ पर 6.5 इंच ले लिए और इस तरह से इसमें भी हल्का सा वी दे दिया हुआ है। ये 1/2 इंच का गैप है, इस तरह से कटिंग किया और यहाँ पर भी कटिंग कर दिया। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर 2 पार्ट हैं तो इस तरह से एक के ऊपर एक हमें रखना है। बहुत ही सिंपल सी स्टिचिंग होगी और बहुत ही इजी तरीके से कुर्ती रेडी हो जाती है। और ये जो नेक है उसको आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपका नेक ये अच्छे से नहीं बन पाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या करते हैं, मैंने पहले तो आपको दिखाया था कि सेम मैंने ले लिया 1/2 इंच लेके, पर यहाँ पर मुझे हल्का सा वी और कटिंग करना है, हल्का सा इसको छाट देना है। इस कपड़े को ऊपर से हमें नहीं छाटना है, सिर्फ नीचे से छाटना है। तो जितनी भी आपको चौड़ाई यहाँ पर रखनी हो आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 इंच की चौड़ाई ले ली हुई है नीचे से। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से नेक आएगा। तो ये वाला पार्ट है, इसमें हल्की सी हमको प्लेट्स डालनी है, थोड़ी थोड़ी सी, बहुत ही महीन महीन सी डालनी है, और फिर इसके ऊपर इसे रख देना है यानी कि चढ़ा देना है। अब हम यहाँ जाते हैं अपनी स्लीव्स की कटिंग करने के लिए। मैंने कपड़े को यानी कि फैब्रिक को मैंने 4 पार्ट में पहले से रख दिया हुआ है। और जो लेंथ लेनी है मैंने यहाँ पर 22 इंच की लेंथ ली है और ऊपर से यहाँ पर 3.5 इंच पे एक मार्क किया है, और आर्मोल्स की चौड़ाई मैंने 7 इंच पे ले ली है। यहाँ पर ये जा जाते हैं हम अपने बॉटम पे, बॉटम हमने यहाँ पर 5 इंच का रख लिया हुआ है। इस तरह से एक मार्क कर देना है आपको, जैसे मैंने इस तरह से शेप दिया हुआ है आप देखें, और बस इसी पे हम कटिंग कर देंगे, हमारी स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी। और यहाँ पर हम अपना थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए भी कटिंग कर लेंगे। मैं मार्क पे कटिंग नहीं करना है क्योंकि वहाँ पे मुझे स्टिचिंग करनी है, और हल्का सा अंदर से कपड़े को और छाट देंगे। अब यहाँ पर अपनी मशीन पर आ गए हैं, अब हम कुर्ती की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहले अपना नेक रेडी करेंगे, तो नेक के लिए मैंने 2 पार्ट यहाँ पर आप देख रहे हुए रखे हुए हैं। ठीक है, तो इन दोनों को अलग अलग रखना है, और जो सीधा वाला पार्ट होगा आपका फैब्रिक का वो दोनों अंदर रहेंगे, दोनों साइड में अंदर रहेंगे, और उल्टा वाला फैब्रिक का जो पार्ट होगा तो वो ऊपर की साइड को आएगा। अब यहाँ पर हम अपनी स्टिचिंग कर लेते हैं, हल्का सा जो वी नेक है उसमें हम यहाँ पर करेंगे, दोनों पार्ट को एक दूसरे में ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर हम हल्का सा कट लगा देते हैं ताकि अच्छे से ये सीधा हो सके, इसमें बिल्कुल भी प्लेट्स वगैरह ना आए। यहाँ पर इसको देखिए हमने अच्छे से इसको सीधा कर लिया हुआ है। अब इसके ऊपर भी एक स्टिचिंग कर देते हैं। ठीक है, मैंने
मैंने यहाँ पर देखिए इस पे भी एक स्टिचिंग कर दी हुई है, और ये वाला पार्ट हमारा ये रेडी हो गया है। अब हम अपनी कुर्ती का फ्रंट पार्ट उठाते हैं, और ये देखिए ये जो कटिंग किया हुआ है इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने प्लेट्स आपको बताई थी उस तरह से यहाँ पर स्टिच मतलब स्लाइस से हम लोग डाल लेते हैं। यहाँ पर हल्का हल्का से ऐसे कपड़े को आगे बढ़ाते जाना है, ये प्लेट्स अपने आप पड़ जाएंगी। और प्लेट्स कितनी डालनी है आप देख रहे हैं, बिल्कुल महीन महीन सी हमें डाल लेना है। इस तरह से मैंने यहाँ पर डाल ली हुई है, और ये वाला हमारा पार्ट रेडी हो गया है। अब हम अपने जो नेक वाला पार्ट है उसको उठाते हैं। इस तरह से ये वाला जो पार्ट है एक पार्ट को हमें उठाना है, देखिए इस पार्ट एक पार्ट को लेना है और इस वाले पे इस तरह से रख देना है अच्छे से, ठीक है। और इसके ऊपर भी एक स्टिचिंग कर देना है। हम आपको चाक की मदद से दिखा देते हैं आपको, ताकि इजी तरीके से समझ में आ जाए। वीडियो हमारा थोड़ा लंबा है, मैंने इस तरह से अच्छे से आपको बताने के लिए किया है, पर आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। ये मत करिएगा कि आप लोग स्किप कर करके जल्दी से देख लें तो कुर्ती समझ में नहीं आएगी। तो क्या करना है, ये वाला पार्ट हमने कटिंग कर लिया, वो सॉरी स्टिचिंग कर लिया हुआ है। अब इसको सीधा करके आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में हमें इसको रखना है, तो कैसे रखना है मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में यहाँ पर आएंगे, कटिंग करेंगे, हल्का सा कोने से कट करना है। आप देख लीजिए इस तरह से आपको कट कर देना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हम आ गए, देखिए इस तरह से अपने फैब्रिक को उठ लेना है, एक पार्ट को अलग इस तरह से आप अपने दोनों पार्ट को इस तरह से अलग अलग कर देंगी। और यहाँ पर हमने फोल्ड कर दिया हुआ है, जो हमारा कुर्ती वाला पार्ट है उसको बीच में रखेंगे, और जो हमने नेक रेडी किया है उन दोनों पार्ट को एक नीचे रखेंगे एक ऊपर रखकर बिल्कुल सिंपल से इसके ऊपर एक स्टिचिंग कर देंगे, ठीक है। और इसको इस बिल्कुल अच्छे से धीरे धीरे से लाइएगा, और यहाँ पर लाके इस साइड से भी लगा देना है स्टिचिंग जो हमने यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, पर ऊपर से भी एक स्टिचिंग कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और इस तरह से इस वाले पार्ट में भी अंदर को फैब्रिक करना है, और दोनों पार्ट को ऊपर नीचे रख के उसके ऊपर स्टिचिंग कर देना है, फैब्रिक दोनों अपने आप में ज्वाइंट हो जाएंगे। देखिए इस तरह से ऐसे रखना है इसको, और फिर इसके ऊपर इसको रख देना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा नेक रेडी हो गया है बहुत ही अच्छे से। अब क्या करते हैं, हम अपने बैक वाले पार्ट में आ जाते हैं। जो मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं एक फैब्रिक कटिंग किया था, उसमें हम सबसे पहले बीच में सेंटर पे एक मार्क कर देंगे, यानी कि एक कट लगा देंगे, ओके। और अपना जो कुर्ती वाला पार्ट है उसको भी ले लेंगे, जो बैक का कुर्ती वाला पार्ट है। यहाँ पर देखिए अब हम अपने बैक वाले पार्ट को और जो नीचे जो हमने कटिंग किया उन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे, ओके। और जो हमने सेंटर पे मार्क किया था वहाँ पर आ जाने के बाद हम अपनी मशीन को रोक लेंगे, और दूसरे पार्ट को इस तरह से पहले देख लेंगे दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो भी बीच में हमारा फैब्रिक बचेगा उनमें हमें हल्की हल्की सी प्लेट्स डाल देनी है। यहाँ पर हम अपनी प्लेट्स हल्की हल्की सी डाल देंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो हमारी प्लेटों वाला वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं किस तरह से ये महीन वाली प्लेट्स आप डाल सकते हैं। तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ पर से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बैक में भी प्लेटें डाल दी हूँ, उसके ऊपर से भी हम एक स्टिचिंग कर देंगे, ओके, ताकि ये प्लेटें हमारी अच्छे से दब जाएं। यहाँ पर हमारा बैक भी जो प्लेटों वाला पार्ट है वो रेडी हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पर ऊपर से दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह से आएगा। अब इसके ऊपर हम अपने फ्रंट वाले पार्ट को रख देंगे, और जो हमारा सीधा वाला पार्ट होगा दोनों अंदर की साइड में हो जाएगा, उल्टे वाले पार्ट ऊपर को हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये हमारा नेक वाला पार्ट है ये, और यहाँ पर से ये हमारा साइड में ये हमारे आर्मोल्स हैं, ओके। जो आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा होगा उसको हम वहाँ पर कटिंग कर देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने इसको कटिंग कर दिया हुआ, इस मार्क पर हम स्टिचिंग कर देंगे। अगर आपको चाक बंद रखने हैं तो आप को वहाँ पे मशीन को नहीं रोकना, ये हमारे आर्म शोल्डर्स हैं, उसको हम शोल्डर्स को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम मशीन पर आ गए, अपने शोल्डर्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें अपने शोल्डर्स को ही ज्वाइन करने चाहिए, बाकी चीज़ों को अगर आप करेंगे तो आपकी लेंथ में उन फ़र्क आ जाएगा, ओके। तो आपको मैं छोटी छोटी सी टिप्स भी देती रहती हूँ वीडियो में, ताकि आप लोगों की स्टिचिंग में और भी अच्छे से सुधार आ सके, यानी कि, ठीक है।
ये वाला पार्ट हमारा तो रेडी हो गया। अब हम आ जाते हैं अपनी फिटिंग वाले पार्ट के पार्ट पे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, अगर आपको चॉक ओपन, मैं वहाँ पे बता रही थी पर मैं बता नहीं पाई, अगर आपको चॉक नहीं ओपन रखने हैं तो आप सीधा पे नीचे तक ही आप ले जाएं। अगर आपको चॉक ओपन रखने हैं तो आप हिप पे ही रोक सकते हैं अपनी स्टिचिंग। अब हम अपनी स्लीव्स पे आ गए हैं और मैंने वहाँ पे फिटिंग वर्क पे स्टिचिंग कर दी हुई है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो स्लीव्स हैं हम यहाँ पे कफ स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो इस तरह से हमें क्या करना है, आधा इंच पे फैब्रिक को फोल्ड करना है, फिर यहाँ पर 2 इंच पे फिर फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिचिंग कर देनी है। ठीक है, यहाँ पर हमने इस तरह से अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया हुआ और एक फोल्ड और कर देंगे। बट इसके ऊपर यहाँ पर हमें स्टिचिंग नहीं करना, बस अपनी स्लीव्स को फौरन ही फोल्ड कर देना है। ऐसे ही जैसे बस एक फोल्ड करना है, जो वहाँ पे स्टिचिंग कर रहा था 2 इंच पार्ट को 2 इंच पे ही फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पे आपको जितना भी बॉटम रखना हो उतना रख सकते हैं। यहाँ पे मुझे 11 इंच का बॉटम चाहिए तो मैंने उसका 2 भाग में ले लिया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर हम इस पे भी मार्क कर लेते हैं और स्लीव पे भी स्टिचिंग कर लेते हैं। ये यहाँ पर आ गए हैं, ये पूरी स्टिचिंग हो गई है, आर्मोल्स तक के हम अपने ले आए हैं। ठीक है, अब हम अपनी स्लीव्स को सीधा कर लेंगे। कुर्ती में ज्वाइंट करने के लिए हमें अपनी स्लीव्स को सीधा कर लेना होता है। ये देखिए कफ इस तरह से आएगा आपका। ठीक है, ये ओपन ओपन ही रहेगा इस तरह से। ये हमारी स्लीव्स रेडी हो गई है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ कुर्ती में ज्वाइंट करना है। तो ये हमारा आर्मोल्स वाला पार्ट है, इस तरह से आप देख लीजिए। ये देखिए, ये हमारा आर्मोल्स वाला पार्ट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपनी स्लीव्स को लेंगे। ठीक है, इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें इस वाले आर्मोल्स वाले पार्ट को ओपन कर देना है। ठीक है, और इसके अंदर अपनी स्लीव्स को बॉटम वाले पार्ट की तरफ से डालेंगे और जो हमारा ऊपर गुलाई वाला पार्ट होगा और जो हमारा आर्मोल्स होगा दोनों को एक दूसरे में ज्वाइन कर देंगे। जो जहाँ पे जो स्लीव्स जहाँ से ज्वाइंट हो रही है, जहाँ पर से हमारी कुर्ती ज्वाइंट हो रही है, दोनों ज्वाइंट को एक दूसरे में मिला देना है बिल्कुल आपस में। ठीक है, और फिर अपनी स्लीव्स को गुलाई से ज्वाइंट कर देना है। ये हमारी स्लीव्स देखिए जॉइंट हो गई है कुर्ती में। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या बचा है, हमारा कॉलर बचा है। तो हम कॉलर बनाते हैं सबसे पहले। तो कॉलर के लिए हम यहाँ पर बकरम नहीं यूज़ कर रहे हैं। अगर आप बकरम चाहें तो जैसे मैं फैब्रिक पे कटिंग करूँगी, आप बकरम पे भी उसी तरह से सेम कटिंग कर सकते हैं और फिर उसे पेस्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा कॉलर है 15 इंच का, तो यहाँ पर हम इसको 16 इंच का फैब्रिक को ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 16 इंच पे इसको फोल्ड कर दिया हुआ है, यानी कि 8 इंच पे मैंने फोल्ड किया हुआ है, 2 पार्ट में इसे रखा है। और इसकी चौड़ाई हम ऊपर से 3.5 इंच पे लेंगे, जहाँ से फोल्ड किया है वहाँ पर से आपको 3.5 इंच लेना है। और इस वाले ये देखिए इस तरह से आना है और इसको यहाँ पर से भी सीधा कर देना है 3.5 इंच पे। इस साइड को भी 3.5 इंच रखना है। ओके, फिर क्या करेंगे, हल्का सा यहाँ पर आएंगे इस साइड में, यहाँ पर 1 इंच पे एक मार्क करना है आपको और इसको हल्का सा राउंड दे देना है, ज़रा ज़रा सा ही देना है। और इसको हल्का सा तिरछा कर देना है, यहाँ पर से भी आप आधा इंच का लेके हल्का तिरछा कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसी पे ही हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पर देखिए, ठीक है, मैंने कटिंग कर दिया और एक सेंटर पे मार्क कर दिया है। यहाँ पर देखिए मैंने कटिंग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से आपको 2 पार्ट में भी फैब्रिक चाहिए बट मैं उसको बाद में बताऊंगी। पहले आप इसको फोल्ड कर लेंगे और इसको फोल्ड करने, आधा इंच को आपको फोल्ड करना है और इस तरह से फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर स्टिचिंग कर देना जैसे मैं कर रही हूँ। यहाँ पर से हम अपना दूसरा पार्ट लेंगे। ठीक है, अब इस अपने दूसरे वाले पार्ट को जो मैंने स्टिचिंग किया हुआ कटिंग है इसके ऊपर इसको रख देंगे।
ठीक है, इसे अच्छे से बैठा लेना है। अब इसके ऊपर भी आपको स्टिचिंग कर देना है। और देख यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने जिस साइड में स्टिचिंग करी है आपको उसी साइड में ही स्टिचिंग करनी है। और जहाँ पर ये वाला फोल्ड वाला पार्ट था मैंने उस वाले पार्ट पे स्टिचिंग नहीं करी है, आपको भी वहाँ पे नहीं करना है। सिर्फ आपको थ्री साइड से ही अपने दोनों फैब्रिक को ज्वाइन करना है। और ये वाला पार्ट जो मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ, ये आधा इंच का आपको एक्स्ट्रा छोड़ देना है। वो इसको छोड़ना ज़रूरी है, अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आपको कॉलर ज्वाइन नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर हम एक जो सेंटर पे मैंने मार्क किया था वहाँ पे भी एक अच्छे से मार्क कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, मैंने कुर्ती में भी आप सबसे पहले वहाँ पे एक मार्क किया था सेंटर पे, और ये वाला जो मेरा मार्क है, इन दोनों मार्क को एक दूसरे में इस तरह से ज्वाइन करना है। और यहीं से आपको अपने कॉलर को ज्वाइन करते हुए जाना है, और ज्वाइन वो करना है जो खुला वाला पार्ट है जिसपे मैंने स्टिचिंग नहीं करी हुई है, और वाला जो पार्ट है जिसमें मैंने स्टिचिंग करी हूँ उसको छोड़ देना है। और इस सब पहले मैंने एक साइड से कर लिया, अब मैं दूसरी साइड से कर रही हूँ जॉइंट। अब ये देखिए मैंने पूरा कॉलर ज्वाइन कर लिया हुआ है। अब क्या करना है, ये देखिए इस वाले पार्ट को ऐसे लेना है और बाहर को निकाल देना है, और ये वाला पार्ट इसके ऊपर रख के अच्छे से इसके ऊपर भी हम एक स्टिचिंग कर देंगे। बस एक दूसरे में कॉलर ये हमारा बहुत ही इजीली तरीके से जॉइंट हो जाएगा। इसमें बकरम मैंने इसलिए नहीं यूज़ किया है क्योंकि बकरम जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, मुझे यहाँ पर बकरम नहीं चाहिए था। अगर आपको बकरम चाहिए तो आप, मैंने आपको बताया है सेम कटिंग से आप बकरम को कटिंग करेंगे और पेस्ट कर देंगे, कॉलर आपका वो भी रेडी हो जाएगा वैसे भी। अब इसके साइड में यहाँ पर भी हम एक ऊपर से भी स्टिचिंग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा कॉलर भी बहुत अच्छे से बन गया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर से इसे फोल्ड करना है और यहाँ पर इसे ऐसे छोड़ देना है। इस साइड से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर इसे ऐसे छोड़ देना। हमारा नेक बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुर्ती भी हमारी रेडी हो गई, बस नीचे वाला पार्ट हमारा रह गया है। तो जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर अपने, तो मैंने कुर्ती को यहाँ पर फोल्ड कर दिया हुआ है। ये हमारे कुर्ती के दामन आप बोल सकते हैं वो हैं, यहाँ पे मैंने फोल्ड किया, मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ, ये फोल्ड पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, राउंड देने के लिए इस तरह से इस तरह से जैसे मैं इंची टेप रखती हूँ, सॉरी, वैसे आपको इंची टेप रखना है और हल्का सा राउंड दे देना है 3 इंच पे। ठीक है, बस ये हमारा कुर्ती का राउंड हो जाएगा, हम उसी पे कटिंग कर देते हैं। और आपकी कुर्ती रेडी हो गई है। अब यहाँ पर हम अपनी इस वाले पार्ट को भी स्टिचिंग कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से आपके दामन आएंगे कुर्ती के। अब यहाँ पर आ जाते हैं इसको फोल्ड करने के लिए। यहाँ पर अपने सबसे पहले चाक वाले पार्ट को लेंगे और यहाँ पर इस तरह से आधा इंच को पहले अंदर करेंगे, फिर आधा इंच पे करके स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से पूरे हमें राउंड कर देना है, स्टिचिंग कर देना है अपने दामन में।